नमस्कार अभिनंदन वंदन साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज हम आप लोग को बात पित्त कफ से आपकी जो बीपी बढ़ जाती है तो उसकी डायग्नोस क्या है, बात पित्त कफ क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहती है उस पर, उसके बारे में जानेंगे और फिर इसका उपाय जानेंगे कि हम कैसे बीपी को ठीक कर सकते हैं घर पे। कोई भी एक साधारण आदमी क्या कर सकता है घर पे, वो उसकी बीपी बढ़ जाती है। तो चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बात पित्त कफ को जानने के लिए हमें पित्त का, बात का और कफ का गुण जानना होगा। यहाँ पे मैं पहले से लिख दिया थोड़ी सी कि ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो पित्त का जो गुण होता है वो गुण होता है स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, लघु होता है और ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर उठने वाला। इसके बाद बात का जो गुण होता है वो रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होती है और टेढ़ी मेढ़ी चलने वाला होता है, सर्प गति होता है इसमें। देखिए, सर्प गति होता है। वही पित्त में ऊर्ध्वगामी गति होता है, ऊपर की ओर उठता है, इसको मंडूक गति बोलते हैं। मंडूक गति है ना, मंडूक कैसे चलती है। और वहां पे कफ को देखते हैं तो कफ स्निग्ध होता है, शीतल होता है और गुरु होता है, हैवी होता है। इसमें देखिए कुछ ऐसे गुण है जो एक दूसरे में नहीं है। जैसे पित्त का गुण उष्ण है ना, तो उष्ण गुण है जो आपका बात में नहीं है और कफ में नहीं है। बात का जो रुक्ष गुण है, सुखाने की जो क्षमता है, वो चीज आपका पित्त में नहीं है और आपका कफ में नहीं है। कफ का जो गुरु गुण है वो आपकी बात में नहीं है, पित्त में नहीं है, क्योंकि कफ में आपका जड़ और जल यानी धरती और जल से बने हुआ है, इसके लिए गुरु है। मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा। अब मैं इसकी डायरेक्शन को देखता हूं एक बार। इसकी डायरेक्शन क्या है कि पित्त ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर उठती है। आपके जो कफ होता है वो लीनियर चलता है, हंस गति जिसको बोलते हैं। और ऐसे भी पानी को आप गिराते हैं तो एक बार ऊपर से गिराएंगे तो नीचे जाएगी, अधोगामी होती है। आग लगाएंगे इस टाइप से तो वो ऊपर की ओर जाएगी, नीचे नहीं जाती है, है ना। और वायु, वायु कब कहीं भी जा सकता है जिधर उसको जगह मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे सर्प गति। तो ये हम गति को देखिए, गति इसलिए देखें कि हम बीपी कैसे बढ़ेगी तो वो देखेंगे। यहाँ पे एक धमनी बना हुआ है, यानी हार्ट से धमनी के माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से जो ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई होती है उसमें ही प्रेशर बढ़ जाती है और वापस ब्लड आपको भेद के माध्यम से पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट के पास आती है। तो ये सर्कुलेशन का नियम है, वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि रक्त में जब पित्त बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी तो क्या होगी। रक्त में जब पित्त बढ़ जाती है यानी रक्त में गर्मी हो जाती है, उष्ण हो जाता है, उष्ण गुण है और उष्ण का क्या मिला, ऊर्ध्वगामी। तो जो ब्लड इस टाइप से फ्लो करना चाहिए आराम से, वो इस टाइप से फ्लो ना करके वो हीट कैपेसिटी के वजह से आपके धमनी के दीवारों पे, दीवारों पे ये चोट मारती है और आपको बीपी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की उठती है डायरेक्शन। अब ऐसे स्थिति में जब आपकी बीपी बढ़ गई तो हम क्या देखेंगे, हमेशा चेक कर सकते हैं, एक आम बंदा भी, इंसान भी चेक कर सकता है। देखिए, ये मेरा बायां हैंड है हाथ, और आपकी तीन उंगलियों से पता चल जाएगी कि आपकी बीपी किससे बढ़ी है। ऐसे तो गर्मियों के दिन में खास करके ये बातें होती है, एक तो मौसम गर्मी होगी, दूसरी चीज हम इस उंगली से इस टाइप से रख के देखते हैं। तो अगर केवल टच कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही है कि सभी उंगलियों पे चार चार उंगली तक लंबाई होती है, यानी बात की लंबाई बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा फैलती है ना बात, तो टच करने पर केवल समझ में आ रहा है कि पूरी सभी उंगलियों पे मार रही है तो समझिए कि वो बात का है। हल्की थोड़ी सी प्रेस करती है और तीन उंगलियों तक, खास करके ये मिडिल वाला, मिडिल बीच वाली उंगलियों पे इसकी प्रेशर मोटी आ रही है थोड़ी सी और तेज हो रही है तो समझिए कि पित्त वाली नाड़ी है। अगर हम रखते हैं, ये आपका कफ अबो बात वाली नाड़ी होती है, इसकी केवल टच करते हैं और स्पीड से, और स्पीड होती है और इसमें फोर्स, फोर्स बहुत ज्यादा हैवी फोर्स नहीं होता,
लेकिन इसमें स्पीड होता है, रिपीट बहुत ज्यादा होता है, पल्स रेट का रिपीट। इसमें थोड़ी सी मोटी होगी और तेज होगी, मंडूक की तरह ठप ठप मारेगी, और इस सर्प की तरह तेज चलती है। और वही कफ का देखेंगे, कफ के देखते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि स्लो चलेगी, मोटी टाइप के, आराम से चलने वाला है, मस्त की तरह, है ना। तो ये कफ की नाड़ी होती है, क्योंकि कफ हैवी होता है ना, तो वो हाथी की चाल की तरह आराम से धीरे धीरे चलती है, और वो लीनियर चलती है हंस की तरह, है ना। तो ये देख लेंगे आराम से। और एक शॉर्ट फॉर्म है नाड़ी देखने का थोड़ा सा, कि जैसे हम टच करते हैं और हमें नाड़ियां आ रही है, पता चल रहा है इसकी वेव, तो समझिए कि वो वायु का है। थोड़ी सी प्रेस करने पे पता चल रहा है, और वो भी बीच में, तो समझिए कि वो पित्त वाला है। और थोड़ी सी प्रेस करने पे आपका अनामिका रिंग फिंगर में जा रही है, तो समझिए कि वो कफ की है। ये तो आराम से देख सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि डायरेक्शन का देखते हैं, कितना आसान तरीका सब ठीक कर सकते हैं। ये देखिए पीत है, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर प्रेशर कर रहा है, और आपका जो कफ है वो लीनियर हो जा रही है ना। अब यहां पे बीपी अगर पित्त के माध्यम से बढ़ा तो कुछ नहीं करना है, ये जो ऊर्ध्वगामी इसको लीनियर कर देना है, यानी पित्त है तो यहां पे कफ को बढ़ा दे। जो कफ बढ़ेगी तो ये टेम्परेचर के वजह से अधोगामी हो जाएगी, लीनियर फिर हो जाएगी, बस इतना करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि क्या करना आपको है। यहां पे पित्त बढ़ा हुआ आपका, तो पित्त आपका क्या जैसे बढ़ता है आयुर्वेद में, सौंठ खाएंगे, नमक आपने लिया, ऐसे तमाम चीजें जो गर्म चीजें खाते हैं, गर्म चीज है ना, तीक्ष्ण चीज, तो इससे पित्त बढ़ जाती है। अब इसको हम इसमें कफ बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इसमें ले सकते हैं आप सौंफ, धनिया, जीरा, छोटी इलायची, गुलाब का फूल, गुड़हल फूल, गुड़हल फूल हो गया। इसके बाद इसमें और ऑप्शन हम दे सकते हैं, गुड़हल हो गया। इसके बाद इसमें हम दे सकते हैं सर्पगंधा, जटामांसी, सर्पगंधा, जटामांसी, इसके बाद सफेद चंदन, ऐसे तमाम चीजें आप काढ़ा बना के पाउडर फॉर्म में देंगे। खास करके तो ये सब तो घर पे रहती है, सौंफ, धनिया, जीरा, छोटी इलायची, गुलाब फूल, अगर इसकी काढ़ा दे देंगे तो इसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, जिसमें आपका पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी आपकी बीपी बढ़ेगी बात से, बात, बात में क्या बोलती है, रुक्ष है, सीत है, लघु है, टेढ़ी चलती है, इसकी गुण है। तो बात से जब आपकी प्रेशर बढ़ती है, और बात क्या करती है कि आपके अंदर, आपके अंदर जो कफ होता है ना, उस कफ को सुखाती है, यानी ब्लॉकेज बनाएगी, तब क्या होगी, इस टाइप से आपके आर्टरी में कहीं भी ब्लॉक बन जाएगी। तो जो ब्लॉक बनती है तो क्या होता है, ब्लॉक बनेगी, ब्लॉक बनेगी तो वॉल्यूम, अगर ब्लॉक ब्लॉक अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम लेस होगा तो प्रेशर हाई हो जाएगी, प्रेशर हाई हो जाएगा, सही है ना। कम वॉल्यूम में प्रेशर हाई होता है, जैसे
कोई बंदा नजदीक बैठा उसको पत्थर से मारेंगे ज्यादा चोट लगेगा, जितना दूर जाएगा चोट कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर लेस हो जाती है वॉल्यूम बढ़ाने पे। तो यहाँ पे ब्लॉक आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में अधिकतर मैं देखता हूं कि बात बात के साथ कफ भी रहती है साथ में, तो जैसे ही बात और कफ मिलती है तो ब्लॉक ही बनाता है। वहां पे देखते हैं कि उनके आर्टरीज में ब्लॉक आएगी, हार्ट अटैक, तमाम जो बड़े लोग होते हैं सबके हार्ट अटैक बात और कफ के ही तासीर में होते हैं, तो होता है अक्सर यही होता है क्योंकि जब हम बड़ा होते हैं तो हमारी बात बढ़ती रहती है और कफ आती है और कफ क्या करती है, हेल्प कर देती है और ये दोनों मिलके ब्लॉकेज बना देती है। ब्लॉक बनाने का बात और कफ ही है आपके बॉडी के अंदर। तो इसमें अधिकतर इसकी जो बीपी बढ़ेगी तो वो ठंड के मौसम में बढ़ती है, ठंड के मौसम में जितना ठंड बढ़ेगा बीपी इनकी हाई होगी। तो वैसे स्थिति में कोई ठंडी चीज हम नहीं दे सकते हैं ना, ठंड चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं काम चलेगा जिसमें मैं ये बताया था, है ना। तो वैसे स्थिति में क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो ये चीजें हैं ऊपर से क्या होगा, ये सिकुड़ेगी, ठंड से कोई चीज सिकुड़ती भी है तो ये सिकुड़ेगी, वायु इसको सुखा रही है तो ऊपर से भी प्रेशर बन जाती है आर्टरीज पे और अंदर से अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक टाइप के बना हुआ है तो इससे क्या होती है कि आपके जो आर्टरीज होती है वो पूरी तरह से प्लास्टिक हो जाती है। आर्टरी क्या होती है, प्लास्टिक हो जाती है और सिकुड़ होती है। तो इसमें क्या होती है कि वॉल्यूम लेस हो जाती है, प्रेशर हाई हो जाती है, वॉल्यूम लेस हो जाएगी और प्रेशर हाई हो जाएगी तो बीपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या इलाज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम इलाज कर सकते हैं, आपको आपको लेना होगा अदरक, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, लहसुन, लहसुन, अजवाइन, तेजपत्ता, पुदीना, काली मिर्च तो ब्लड को पतला भी करती है, तो इन सभी चीजों को काढ़ा बना के खाइए पीजिए तो आपका क्या होगा, बीपी में आसान होगा। इसके बाद हॉट वाटर की सेकिंग, हॉट वाटर में अपना पैर को रखिए क्योंकि हॉट वाटर क्या करती है कि कफ को भी कम करेगी और बात को भी कम करती है, है ना, गर्म पानी। और इसके बाद तिल, तिल खाना बहुत अच्छा रहता है, तिल ले सकते हैं और अलसी ले सकते हैं, तिल अलसी, गौमूत्र भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, गौमूत्र भी कफ को खोलने का काम करता है, ब्लॉकेज में गौमूत्र भी बहुत अच्छा करता है। तो कम से कम गौमूत्र नहीं लेंगे तो अलसी और तिल तो जरूर लीजिए खाने में, और तिल के तेल से मसाज कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा अभी जो ठंड में जो बीपी बढ़ रहे हैं ऐसे स्थिति में। अब मैं बात करूंगा जो ओनली कफ से बीपी अगर आपकी बढ़ रही है कब से बीपी बढ़ेगी दोस्तों, देखिए कब का गुण क्या है, स्निग्ध है, शीत है, गुरु है। तो स्निग्ध चिकना है, गुरु माने भारी है। अब यहां पे आर्टरीज में अगर ये थिक हो जाएगी, ब्लड थिक हो जाएगी और ये गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाती कोई भी चीज कब से क्या चीज गाढ़ी होती, कोई चीज ठंडी होती तो क्या हो जाती है, वो गाढ़ी हो जाती है ना। साथ में कफ तो बढ़ा ही है और जो भी आपके अंदर यूरिक एसिड है, ट्राइग्लिसराइड है, तो इन सभी चीजों को और मिनरल्स है उनको थिक बना देता है, गाढ़ी हो जाती है। तो जो ये गाढ़ी होगी, थिक हो जाएगा ब्लड, तो आपका जो हार्ट है उसको पंप करने में मेहनत होगा, उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगी क्योंकि लोड बढ़ गया है, तो लोड बढ़ेगी तो प्रेशर हाई हो जाएगी ना। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपका बीपी हाई करेगा कब के वजह से, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पित्त गुण को बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाएंगे।
तो पित्त को बढ़ाएंगे तो इसमें रुक्ष पित्त को बढ़ाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि जैसे कफ को अगर खत्म करना है तो आप शहद इसमें भी अदरक ले सकते हैं, काली मिर्च, शहद, अदरक, काली मिर्च और कफ को खत्म करने के लिए आपका गौमूत्र बहुत अच्छा है। गौमूत्र अगर 20 ml x 2 times भी आप लेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके बाद इसकी सेक दे सकते हैं, गर्म पानी की, हॉट वाटर की सेक। हॉट वाटर की सेक देंगे, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप इसमें आयल, सरसों का तेल से मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा करता है, कफ को वो भी खत्म करता है सरसों। इसके बाद अपने खाना में अलसी लीजिए, इसमें भी तिल भी ले सकते हैं। इसके बाद आप चिप यानी कढ़ी पत्ता ले लेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी चीजों को आप अगर कफ में यूज करते हैं तो बड़ा बेहतरीन है। अदरक की आप चाय पीजिए, शहद लीजिए, काली मिर्च लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, बड़ा अच्छा रहेगा आपको। 50 ग्राम सोठ और 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम पीपली, बस इनकी चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद क्या कीजिए कि तुलसी होता ना, तुलसी 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 का काढ़ा बनाइए। कितने पत्ता का? 7 से 8 पत्ता का काढ़ा बनाइए। 2 कप पानी में इसको उबालिए, 1 कप कर ले और इसमें थोड़ी सी चूरन 1/4 यानी 4 पिंच 4 चुटकी डाल करके इसको सुबह शाम पीजिए तो आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी और कोई भी परेशानी है बीपी के अकॉर्डिंग तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी मुझे विश्वास है और आप लोग थोड़ी सी इसको फॉरवर्ड करेंगे, लोगों तक पहुंचाइए कि लोग अपनी बीमारी को जाने और ठीक करें घर पे बहुत आसानी तरीका से। और कीजिए चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे आरोग्य तत्व परिवार बढ़ेगी और आगे बढ़ के हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।